विद्यालय के भवन का निर्माण करने वाले ठेकेदार ने लगाए शिक्षिका पर गंभीर आरोप। विद्यालय का भवन न होने की वजह से छोटे छोटे बच्चों को खुले में बैठकर करनी पड़ती है पढ़ाई। बच्चों के पालकों ने लगाए शिक्षिका पर भेदभाव करने के आरोप। मामला खनिया थाना के वार्ड नंबर 8 का है, जहां पर नीम तलैया क्षेत्र में स्थित सैटेलाइट प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पर निर्माणाधीन स्कूल की बिल्डिंग के ठेकेदार ने स्कूल की प्राचार्य सीमा जैन पर विद्यालय भवन में खर्च हुई राशि ना देने का आरोप लगाया है। ठेकेदार मनीराम अहिरवार का कहना है कि शिक्षिका लगातार उन्हें परेशान कर रही है। निर्माण में लगी राशि का पेमेंट न होने की वजह से विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। दूसरी तरफ विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता ने भी शिक्षिका पर बच्चों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। पालकों का कहना है कि विद्यालय में बच्चों को मिलने वाले पोषाहार भी शिक्षिका की मनमानी की वजह से बच्चों को नहीं दिया जाता। कई बार शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही शिक्षिका पर नहीं हुई, जिसकी वजह से बच्चे विद्यालय जाने तैयार नहीं होते और मजबूरन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ रहा है। नाम भैया आपका? मेरा मनीराम है। मनीराम भैया, क्या समस्या है? ये जो स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, ये शायद प्राइमरी स्कूल है। जगह कौन सी है? ये नीम तलैया मोहल्ला, नीम तलैया खड़िया थाना। क्या समस्या आ रही है? बिल्डिंग अधूरी क्यों डली हुई है? इसका ठेका आपके पास में? सर, पैसे नहीं मिल रहा। बोलते हैं जैन साहब कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। कौन है यहाँ पे जैन? कौन है? सीमा जैन है ना। सीमा जैन है यहाँ की प्राध्यापक। क्या कारण बता रही हैं, क्यों पैसा नहीं दे रही है वो? वो कहते हैं काम कर दो पूरा तब देंगे पैसे। अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से लगा दूँ अभी तक। ये बिल्डिंग का कितना टोटल मूल्यांकन, कितने की बिल्डिंग है ये? मुझे जे भी जानकारी नहीं बताई, बता रहे थे 4 लाख रुपए की है। अभी आपको कितना पेमेंट कर दिया गया इसका? मेरे लिए कल पूरा लैट्रिन बाथरूम का मिला के 1,29,000 रुपये दिया है। इसमें अभी इन्वेस्ट कितना हो गया आपका? मेरा फंस गया उसमें 2.5-3 लाख रुपए। 2.5-3 लाख रुपए सामान से मटेरियल से मैंने ही खड़ा किया। अच्छा, आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात की है या कि आपके पेमेंट नहीं किया जा रहा है इसके? मैंने कहा था वर्मा जी से भी कहलाई, पचौरी से भी कहलाई, कई लोगों से भी कहलाई। बोले मैं बोल देता हूँ, सुनिंद से बोल देता है, इसे बोले हाँ डलवा रहा है पैसे, डलवा रहा है ना पैसे ना। कल मैंने कहा सब बोले कही वो मैं कौन घर से लगा दूँ पैसे। इस तरह से तो ये बिल्डिंग अधूरी डली रहेगी अगर पैसे नहीं है। हम क्या करें बताओ, मेरे तो इतना पैसा फंसा दिया मैंने निजी। मुझे बोले नेची रंदो उसको, ऊँचाई क्यों ले ली तुमने बताओ? नेचा रखा तो बिल्डिंग तो परेशानी आती, पानी भरा था इसमें, मुश्किल से तो काम कर पा मैंने इतना, एक साल से पैसा फंसा है मेरा। अभी अगर आपका पेमेंट नहीं होता है तो ये बिल्डिंग नहीं बनाएंगे आप? नहीं बनाएंगे नहीं, अब तो हमें जमीन है उसमें, हम लोगों ने जमीन दी, हमारा पैसा नहीं मिल रहा। अब जो करने लगी इतना पैसे फंसाने के बाद में, तुम नहीं करोगे मैं दूसरे पे करा लूँगी। अच्छा,